हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सफ़ेद मशीन से। ये उषा की मशीन है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मशीन से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आज का हमारा टॉपिक है बड़ी बड़ी टाप आ रही है, तो इस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मशीन में आपका देखिए चला रहे तो टाका छोड़ रहा, सही ढंग से चल नहीं रहा। देखिए खींच भी रहा, टाका पकड़ नहीं रहा, इस तरह चल रहा है ना। इस तरह चल रहा, कभी पकड़ रहा कभी छोड़ रहा, कभी पकड़ रहा कभी छोड़ रहा, या लंबा लंबा टाका छोड़। कैसे ठीक है वो हम बता रहे हैं आपको, क्या क्या कारण होता है। ये कपड़ा है, इसके ऊपर धागा निकाला। ये आपका सेटल बोलते हैं इसको, अंदर में जिस तरह छोटा मशीन में होता है उसी तरह वाइट मशीन में भी होता है। ये आपका बॉबिन केस निकाल दिया, ये लैच को इधर और इधर कर दिया दोनों, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल गया। इस तरह इसको निकाल दिया। ये कपड़ा कोई भी कपड़ा से, पर इसको साफ़ किया अच्छा से। ये आपका साफ़ करने के बाद ये साफ़ किया, इसको भी अच्छा से साफ़ कर लिया। इस तरह होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं, बस इसी में देखिए। फिर इसी तरह लगाया ये पॉइंट और ये पॉइंट को इस तरह यहाँ बैठाया और लैच को इधर कर दिया, ये लैच को इधर कर दिया, बॉबिन केस को लगाया। और ये आपका सुई का देखिए पोजीशन को देख लेना है किस तरह लगा हुआ। ये रेशा वाला सामने का और होना चाहिए और चपटा वाला आपको पीछे चल जाएगा। ये इस तरह लगेगा, ये इस तरह लगाना, नहीं तो सुई को चेंज कर देना है। 16 नंबर सुई के लगता है, 16 या 18 नंबर लगेगा। और आपका ये पॉइंट है ना, ये आपका 9 नंबर में, ये कम से कम आपको होना चाहिए 4 नंबर में, ये 4 नंबर में होना चाहिए, 4 नंबर, ये नंबर ही है 4 नंबर। ये रस्सा इधर आ जाएगा, उसके बाद ये चाप को नीचे करके सुई इसमें लगा दिया। ये लग गया सुई, सुई का बॉबिन के अंदर वाला पहले निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका दोनों धागा इसमें से पार कर दिए, उसका ये बंद कर दिया, ये लॉक इसमें रहता है यहाँ पर सटिंग लॉक कर दिए, पैक हो गया है ना। उसका इसी तरह देखिए, ये आपको डबल कपड़ा ही में ही चला के देखते हैं। ये देखिए इसी में चल रहा था, यहाँ पे इसी में चला के दिखा रहे हैं। ये आपका 3 नंबर में, इसको 2 नंबर में कर दिया, 1 नंबर में कर दिया, जितना साइज बड़ा का छोटा होता है। ये देखिए सिलाई भी नहीं तोड़ रहा, सिलाई दे रहा भी, टाका भी नहीं छोड़ रहा। देखिए ये आपका सिलाई इधर भी अच्छा दे रहा, सुंदर दे रहा, इधर का बखिया इधर नहीं आ रहा इसलिए ऊपर में हरा है, इधर का बखिया अलग है आ रहा, बखिया भी सही दे रहा, खींचना भी नहीं रहा। इसमें आपका यहाँ से जैसे रफू करने का, इसमें रफू है डबल करने का, देखिए डबल हो रहा। ये आपका देख लीजिए सिलाई दोनों तरफ बराबर है, पहले छोड़ रहा था इस तरह, छोड़ा नहीं कहीं भी नहीं, सब ठीक है। तो फ्रेंड देखा, आज के वीडियो में जो बड़ी बड़ी सिलाई हो रही थी हमारी मशीन में वो किस तरह से ठीक हुआ है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं मशीन की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।